सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट तो बाद जो है पूरे पंजाब में जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह चाक चौबंद है। बकायदा हर थान नाके लगाए गए हैं, पर इस सब दे विच एक जो वारदात जो घटना सामने निकल के आई है फरीदकोट तो, फरीदकोट में कुछ लोगों वालों एक जो कार किराए पर लई गई थी उसके ड्राइवर जो है रस्ते में उतार के कार जो है लुट ली गई है, तो वो लोग हुण तक फरार ने। नाल एक लेडी भी दसी जा रही है, साडे नाल ज़्यादा जानकारी लई डीएसपी साहब मौजूद ने। सर की पूरी वारदात हुई है? परसों शाम नूं तीन नौजवान उन्होंने नाल एक लेडी सी, चार जने टोटल एक कार हायर करके ना कोटकपुरे तो मलण वास्ते रामियाने तो अगे जाके उन्होंने खोह ली सी, ते गां अगे दो तीन किलो थोड़े किलोमीटर जाके कौणी कोले ड्राइवर नूं छड़ता सी, ते उहदा मोबाइल फोन लै गए सी। उह कार मिली नहीं, उहनूं ट्रेस करन दे उपराले जारी ने। उसे संदर्भ च हाई अलर्ट कीता होया ते वहीकलां दी चैकिंग वड्डे पद्धर ते जारी है थों थों। जिस तरीके नाल सर मामले सामने आ रहे हैं, कुछ लोग फड़े भी गए हैं जो कश्मीर तो रिलेटेड ने, या कुछ हथियार भी इस तो पहले बरामद हुए हैं, की लगता है जो ये घटना हुई है होर घटनाओं नाल जेकर जोड़ के गल करिए किस पासे जान जाती है? देखो असी सारे एंगल नू माइंड च रख के कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हाल की घड़ी आ कश्मीरी एंगल वाली आ कार खोण च कोई लेना देना नहीं। ये लोकल ही 50-70 किलोमीटर के रेडियस के बंदे ने, साडे ही डायलैक्ट आ पंजाबी दा, जिहड़ी बोली बोलते सी पिंडां वाली, तो उन्हों का वेशभूषा सारी इन्हों पिंडा वाले रहने वाली है। सो ये कार स्नैचिंग दे विच कश्मीरी एंगल कोई नहीं है, लेकिन असी सारे एंगलों माइंड च रख के इन्वेस्टिगेशन अगे वधा रहे हैं, तो जल्दी इनू क्रैक भी कर लवेंगे। जो शुरुआत की गल की जाए तो बकायदे ड्राइवर के बयान भी होने, हुण किस तरह टीम बनाई ने, किस किस पक्ष नाल जांच की जा रही है? साड़ियां चार टीमां मूव हुई हुई ने ऑलरेडी, परसों दियां ही इसे मामले लगिया हुई ने हल करने वास्ते। अज भी साड़ियां टीमां वक्रे वक्रे एरिए गई हुई ने, लेकिन वो हल की घड़ी मैं थोड़े ना डिस्कलोज नहीं करूँगा, दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो होपफुली असी जल्दी नेड़े पहुँच जाएंगे, फिर क्रैक कर लाँगे। की कुछ सीसीटीवी सामने आया किस तरह के लोग ने, कुछ सोशल मीडिया से वायरल होया कुछ इस मामले? हाँ जी हाँ जी, सानू जिहड़ियां शक्की दोषियों दियां सीसीटीवी क्लिप मिलियां ने वो असी मीडिया राही आप जी राही लोगों सर्कुलेट कीतिया ने, तो असी पब्लिक को अपील भी करते हैं भी जेड़ा भी कोई बंदा इन्हां दी शनाख्त करता वो बेझिझक हो के साडे नंबरां ते सानू सूचित करे। मेरा नंबर भी है 7527-17008 ते 7527-17026 SHO जतों का नंबर है, जदों मर्जी सानू किसी भी वेले बंदा किसी तरह की इतलाह दे सकदा है, ते उहदी आइडेंटिटी बंदे दी इनफॉर्मर की गुप्त रखी जाऊगी, तो उहनू सूटेबली इनाम भी दिता जाऊगा। तो बिल्कुल जो है सूटेबल इनाम की गल की जी है, सुरक्षा व्यवस्था की गल की जाए तो नाकेबंदी बकायदा की गई है, हर एक गड्डी की जो है तलाशी की जा रही है। इस जो गड्डी दसी जा रही है स्विफ्ट डिजायर हरियाणा नंबर है, उस दे नाल जो मिलती जुलती गड्डिया ने उन्होंने विशेष तौर पर रोक के उन्हें उन्होंने जो कागजात ने उन्होंने जो ड्राइवर उन्होंने चला रहा उसकी आइडेंटिटी गल की जाए, या फिर जो होर भी लोग सवार ने सब की जो आइडेंटिटी चैक की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके जो है वारदात जो है वो सफल ना हो सके। बेशक जो है नाकेबंदी की जा रही है, पर जेकर गल की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो टीम बनाई गई ने, लगभग चार टीम जो इतों मूव की जा चुकी ने। बकायदा जो जिन्हें भी लोग ने या इस मामले जुड़े हुए जो शुरुआत की गल की जाए तो नशा तस्करी नाल भी इस जोड़ के देखा जा सकता है, पर किसी भी वड्डे क्राइम तो जो है उस तो नई ना नहीं की जा सकती। फिलहाल वेखना है कि पुलिस के हाथ कदों तक ये लोग जो ने काबू आते हैं, आने वाले समय में पुलिस के हाथ होर की कुछ निकल के आता है, या यह मामला या फिर सिर्फ नशा तस्करी तक ही सीमित रहेगा, या फिर कुछ होर भी वड्डा इस मामला जो है सामने आएगा। फरीदकोट तो कैमरा परसन राजेश दे नाल सूरज प्रकाश, दैनिक सवेरा टीवी। पंजाब देश ते दुनिया दीयां वड्डियां खबरां जेकर तुसीं डायरैक्ट अपने फोन ते देखना चाहुंदे हो तो इस नंबर नूं पहलां अपने फोन दे विच सेव करो अते फिर इस नंबर दे उत्ते एक मिस्ड कॉल मारो। असीं तुहानूं दैनिक सवेरा दे एक वट्सएप ग्रुप दे विच ऐड करांगे जिथे सिर्फ असीं तुहाडे तक देश दुनिया दीयां वड्डियां खबरां पहुंचा सकांगे।